सो आई एम रिकॉर्डिंग द लाइव क्विज़ टू सोल्यूशन्स एंड अगर आपने कोइज अटेंड की है तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे आप वीडियो सोल्यूशन देख के समझ सकते हैं और जो क्वेश्चन अगर समझ भी आ गए थे आपने कर भी लिए हैं तो उसमें भी अगर आप देखना चाहें हो सकता है कुछ नई चीज़ सीखने को मिले सो दैर इज़ नो हाउ मैन क्विकली गोइंग थ्रू द सोल्यूशन्स क्विज़ नहीं अटेंड करी आपने तभी आप सोल्यूशन देख सकते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चनस भी यहाँ पर ले आया हूँ मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर रखे हैं तो क्वेश्चनस पढ़ के आप अटम्प्ट करना चाहें तो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं या खाली आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं सो दिस इज दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द क्विज विल वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन राइट वाई इक्व टू वन ओवर स्क्वेर रूट ऑफ रैशनल पार्ट ऑफ एक्स अब हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर कहीं भी स्क्वेयर रूट आ रहा है और अंदर कोई हमारा फंक्शन एफेक्स है तो ये अफेक्ट्स मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता नॉन नेगेटिव होना चाहिए एफ एस गेडर एन इक्वल टू जीरो होना चाहिए स्कूल नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर सो हमें ये ध्यान रखना है या फिर कहीं भी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आता है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जीरो ना हो राइट दिस शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज डिविजन बाई जीरो इज नॉट अलाउड अगर आप जीरो हो गया डिनोमिनेटर तो वो नॉट डिफाइंड है वो डोमेन में नहीं होना चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई एग्जिट नहीं करती है वट इज़ अ डोमेन वट इज अ डेफिनेशन ऑफ डोमेन कलेक्शन ऑफ दो वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू विच वाई एग्जिस्ट वो एक्स की वैल्यूज़ जिनको रिप्लेस करके जिन पर वाई एग्जिस्ट करता है वो हमारी डोमेन है तो जब ये एफ एक्स नेगेटिव होगा तो वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उनको हटाना है हमें जब डिनोमेटर जीरो होगा तो वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा उनको हटाना है तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये फंक्शन आ रहा है मेरा स्क्वेर रूट के अंदर तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन आ रहा है फ्रैशनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिटर जीरो बन जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ से देखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये हमारा ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ़ एक्स का अगर आपने याद नहीं किया तो याद करना होगा आपको इस तरह से ग्राफ चलता है रिपीटिव ग्राफ है पीरियोडिक भी कहते हैं आप बाद में पढ़ेंगे जब आप कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा ग्राफ है सेम ग्राफ आगे रिपीट करता है और इसको हमने बनाया है ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स लिख के और इसके हम केसेस बना के एक्स मेरा अगर जीरो और वन के बीच में है तो ये मेरा एक्स बनता है अगर एक्स मेरा वन और टू के बीच में है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन बन जाता है तो ये एक्स माइनस बनता है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू गोज ऑन राइट तो ये जो फंक्शन है वो तो पॉजिटिव ही है राइट तो ये हमें ये मेरा मतलब वो ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन है अगर आप इसकी रेंज देखेंगे राइट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज है वो जीरो और वन के बीच में है ज़ीरो हो सकता है जीरो और वन के बीच में हो सकता है वन भी नहीं हो सकता हमारी प्रॉब्लम है कि नेगेटिव ना हो नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं भी है राइट और जीरो भी ना हो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए देखो यहाँ पे नहीं ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एफ बस ज़ीरो हटाना है इसमें से राइट right, ज़ीरो ना हो तो यहाँ से ज़ीरो कहाँ पर इंटीजर्स पे हो रहा है मीन सब इंटीजर्स पे हो रहा है इंटीजर्स पे सारे इंटीजर्स हटाने हैं हमें रियल नंबर में से तो ये हमारा आंसर है रियल नंबर में से इंटीजर हटा दिया हमने एक्स बिलोंग्स टू आर में इंटीजर को यहाँ पे जेड यूज़ किया हुआ है तो मेरा भी आंसर आ गया ऑलरेडी नंबर में से इंटीजर को मैंने हटा दिया जितने भी इंटीजर हैं हर जब भी इंटीजर होगा तो ये जीरो बन जाएगा ऐसे देख सकती हो रैशनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है जब एक्स मेरा इंटीजियर बनता है तो वो जीरो बन रहा है आई माइनस आई राइट आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजियर आई ग्रेटेस्ट इंटीजियर ऑफ आई सेम एज आई तो ये जीरो बन गया तो ये पॉइंट हटाने हैं हमें बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उससे पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव नहीं आएगा इसको रूट में Now, function, function. तो इट वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन नो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दिस फंक्शन विच वन ऑफ दिस रिलेशन इज अ फंक्शन आइडेंटिफाई विच वन इज अ फंक्शन तो फंक्शन की हमारी डेफिनेशन ये होती है कि ये जो मेरा सेट ए टू सेट बी डिफाइन करा है ए टू बी के अंदर तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर जो डोमेन फॉर्म कर रहे हैं और ये मेरी रेंज यहाँ से मेरा सेट बी से रेंज बनती है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सपोज़ एक्स वन है एक्स वन के करस्पॉन्डिंग इमेज होनी चाहिए एरो होना चाहिए जो एक्स वन को वाई वन से मैप करेगा जो एक्स वन को सेट बी के एलिमेंट से मैप करेगा ज़रूरी है एक्स वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए सो दैट वी कैन फॉर्म दिस ऑर्डर पेयर एक्स वन वाई वन लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स वन से दो एरो निकल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक्स वन के दो इमेजेस हैं एक्स वन के करस्पॉन्डिंग मेरे एक्स वन के करस्पॉन्डिंग मेरे दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूस हैं दिस इज़ नॉट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये ध्यान रखना पड़ता है और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक्स टू बैठा है यहाँ पर डोमेन के अंदर एक्स टू बैठा है सेट सेटे के अंदर और एक्स टू का कोई पेयर ही नहीं है अनपेयर्ड है एक्स टू ऐसा भी नहीं होना चाहिए सो वी हैव टू मेक श्योर इन सेट ए अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं ए टू बी हम तो सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब पेड होने चाहिए उनसे एरो निकलने चाहिए डेफिनेटली ये नहीं चलेगा इससे एरो नहीं निकल रहा और हर एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए दो नहीं निकलना चाहिए वन एंड ओनली वन कहते हैं फंक्शन को हम वन एंड ओनली वन वन एंड ओनली वन वन मतलब कि ये मेरी रिलेशनशिप होनी चाहिए ए से ए से बी में कि वन मतलब हर एक्स की वैल्यू का आप कोई पेयर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई होनी चाहिए एंड ओनली वन ए की होनी चाहिए दो नहीं होने चाहिए अगर अब इस अप्रोच से यहाँ पे आते हैं डायग्राम पे ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक्स के दो इमेजेज हैं एक्स की इमेज वाई भी है एक्स की इमेज वाई भी है इमेज बोलो या उसका करस्पॉन्डिंग वाई कॉम्पोनेट बोल दो वाई कॉर्डिनेट बोल दो राइट right? तो ये नहीं चलेगा ये फंक्शन और ये भी नहीं है देखो एक्स में भी प्रॉब्लम है दो दो प्रॉब्लम है यहाँ पे इज नॉट अ फंक्शन यहाँ पे ये ठीक है x1 से एक ही एरो निकल रहा है x1 की एक ही इमेज है एक ही एलिमेंट है एक्स का वाई सेट बी के अंदर लेकिन ये ये भी ठीक है ये प्रॉब्लम है x3 की कोई इमेज ही नहीं है x3 अनपेयर्ड है x3 का कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू y नहीं है तो सेट ए में जरूरी है होना तो ये भी हमने हटा दिया फंक्शन नहीं है क्योंकि बिकॉज ये एक्स फेल कर गया यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो आप x1 की इमेज है दैट्स फाइन x2 की इमेज है दैट्स फाइन एक ही इमेज है और x3 की भी इमेज है हर एलिमेंट की इमेज है और एक ही इमेज है हर एलिमेंट से एरो निकल रहा है और एक ही एरो निकल रहा है ये हो सकता है कि दो एलिमेंट का ये कन्फ्यूज ना हो दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है दो एलिमेंट का करस्पोंडिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई सेम हो सकती है दैट इज फाइन कि एक एक्स वन बाई वन से मैट हो तो एक्स तो टू भी बाई टू तो से मैट तो हो सकता है दैट इज परफेक्टली फाइन कि दो एरो एक जगह जा सकते हैं एक जगह से दो एरो नहीं निकल सकते ध्यान रखना है आपने यहां पे फंक्शन नहीं है क्योंकि X3 फेल कर रहा है एक्सरी से दो एरो निकल रहे एरो दो नहीं निकलने चाहिए थे X3, से एक ही एरो निकलना चाहिए था तो इसलिए फंक्शन नहीं है ये फंक्शन है ABD और फंक्शन नहीं है नाउ द रिलेशन आर रिलेशन आर इज डिफाइंड एज x कोमा वाई ये रिलेशन है मेरी सच दैट ये जो कंडीशन है x और y में ये रिलेशन होनी चाहिए कि टू एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्ल टू सिक्स है फिर एक्स एंड वाई या नेचुरल नंबर तो मेरी ये कंडीशन है टू एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू सिक्स होना चाहिए राइट तो उसको हम काउंटिंग से निकाल सकते हैं इसको हम शेड करके भी निकाल सकते हैं रीजन बना के भी निकाल सकते हैं रीजन बनेगा वो भी देख सकते हैं पहले हम केसेस बना के देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया मेरा x मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज़ ली मैंने इसको ऐसे लिख लिया वाई लेस दैन इक्वस टू सिक्स माइनस टू एक्स जो नॉन वन कोविशेंट है उसको मैं राइट right पे ले गया हूँ केसेस कम बनेंगे तो ये मेरा कॉलम सिक्स माइनस टू एक्स का है इसको वाई भी कह सकते हैं सिक्स माइनस टू एक्स ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ राइट right? ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कितने सोल्यूशन होंगे कितने सोल्यूशनस होंगे ऑर्डर पेयर होंगे एक्सकॉमा वाई इस कंडीशन से अगर एक्स मेरा नेचुरल नंबर है एक्स को मैंने वन लिया एक्स को वन प्लग इन किया तो ये सॉरी लेस देन इक्वल टू है तो वाई मेरा लेस देन इक्वल टू फोर आ गया तो वाई की वैल्यू वन टू थ्री फोर हो गई चार वैल्यू हो गई एक्स को मैंने टू लिया एक्स टू लिया तो नेचुरल नंबर है टू हो सकता है तो ये मेरा टू आ गया वाई लेस देन इक्वल टू टू आ गया तो यहाँ से वाई की दो ही वैल्यू हो रही हैं वन और टू एक्स को मैंने थ्री लिया तो y लेस दैन इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स है वाई लेस दैन इक्वल टू जीरो लेकिन यू नो वाई जीरो नहीं हो सकता बिकॉज नेचुरल नंबर है तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा सेम वे इफ़ यू गो फर्दर नो सोल्यूशन विल बी देयर सो वी हैव सिक्स सोल्यूशन फोर वैन एक्स इज वन वाई कैन टेक फोर वैल्यूज तो ये मेरे ऑर्डर पेयर बन गए वन कामा वन वन कामा टू वन कामा थ्री वन कामा फोर ये मेरे रिलेशन बन गए यहाँ से रिलेशन बनेंगे टू कामा वन टू कामा टू तो ये मेरे सिक्स रिलेशन बने हैं फ्रॉम एक्स टू वाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन टू एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू सिक्स राइट तो ये मेरा आंसर आ गया इसको अगर हम ग्राफ से अप्रोच से देखेंगे तो कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है बट देख लेते हैं अगर आपने पढ़ा है आपने तो थोड़ा सा ये देखा हुआ है टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्ल टू सिक्स है तो पहले हम इस इक्वल टू साइन का ग्राफ बनाते हैं टू तो एक्स प्लस, प्लस वाई इक्ल टू सिक्स और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं जैसे मैंने एक्स को जीरो कर दिया एक्स को जीरो लिया तो वाई मेरा सिक्स आ गया तो ये मेरा इस इस पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है फिर मैंने यू नो वाई को जीरो कर दिया वाई को ज़ीरो किया तो एक्स थ्री आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट थ्री आ रहा है जब वाई जीरो आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन है अब ये तो लाइन है मुझे रीजन बनाना है लेस देन इक्वल टू बनाना है तो मुझे देखना है कि लाइन की कौन सी साइड है दिस साइड और दिस साइड तो अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी सारे पॉइंट भी सेटिस्फाई करते हैं तो इसमें मैंने ऑरिजिन डाल के देख लिया इस इन इक्वालिटी को ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है एक्स जीरो वाई जीरो टू इन टू जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स तो जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स सेटिसफाई कर रहा है तो इसकी ये वाली साइड हो गई लेकिन हमें नेचुरल नंबर है मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है एक्स वन और वाई वन से राइट तो ये मेरा इसके ऊपर रहना है मुझे इस लाइन के इस लाइन या लाइन के ऊपर रहना है और इसके ऊपर रहना है इसके आगे इसके ऊपर तो यहाँ से हम सोल्यूशन देख सकते हैं हमारे कितने होंगे तो कैसा प्लस पॉइंट नहीं ऐसे करने का बट दिस इज़ द वे राइट हम ये एरिया नहीं आ सकता क्योंकि एक्स हम वन लेस देन वन हो गए ये थ्री है ये सिक्स है और ये एरिया नहीं आ सकता क्योंकि हम इससे कम है तो ये यहाँ वाले एरिया में देखने हैं जो ये यह हमारे यहाँ वाले कितने मेरे ऑर्डर पेर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है यहाँ पे जब मैंने एक्स को वन लिया तो मेरा वाई वन आ गया वाई टू आ गया वाई थ्री आ गया वाई फोर आ गया ये वाई फोर है एक्स वन एक्स को हमने वन लिया तो वाई फोर आ गया चार पॉइंट यहाँ आ गए फिर मैंने एक्स को टू लिया तो ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट है दो पॉइंट आएंगे ये दो पॉइंट हैं तो ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं हुआ वही छः आंसर आ गए हैं थ्री होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा तो एक्स की वन वैल्यू पे चार पॉइंट आ रहे हैं जो लाइन है लाइन से नीचे है। और हैं और इस लाइन के आगे हैं और इस लाइन के आगे हैं नेचुरल नंबर देखना है हमें टू लिया है तो दो ही पॉइंट आ रहे हैं ये दोनों लाइन पे है उससे ऊपर एक्स इक्वल टू वन और वाई और वाई वन और वाई टू एक्स वन वाई वन वाई टू वही हमने टेबल से निकाला था राइट तो आइडिया है लेकिन कैसे कोई प्लस पॉइंट आइडिया नहीं हुआ इसका ना दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पहले मैंने इसको फिगर आउट कर लिया ये कितनी वैल्यू है ये है रूट सेवनटीन रूट सेवेंटीन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो हम रूट सेवनटीन किसके बीच में लाई करेगा ऐसे देख लेते हैं हम कि मेरा यू नो सिक्सटीन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन है फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है तो सेवनटीन मेरा इसके बीच में लाई कर रहा है, 17 16 25. लिए है क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है राइट सेवनटीन इज ग्रेटर रूट सेवनटीन राइट तो सिक्सटीन क्यों लिए यहाँ से आइडिया लग रहा है सिक्सटीन से आ गए हैं तो मैंने सिक्सटीन और उससे अगला परफेक्ट स्क्वायर फोर का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर लिया है स्क्वेयर क्योंकि स्क्वेयर रूट लेना है, तो स्क्वेयर लेना बेटर है आप कहेंगे यहाँ पे मैंने एटीन क्यों नहीं लिया ट्वेंटी फाइव क्यों लिया क्योंकि मेरा परफेक्ट स्क्वेयर होना चाहिए क्योंकि अगले स्टेप में स्क्र रूट लेना है हमें राइट तो इसलिए मैंने ये लिया तो यहाँ पे अब मैंने जो सेवनटीन से क्लोजेस्ट है सिक्सटीन लिया परफेक्ट स्क्वेयर नाइन नहीं लिया और स्टेक स्क्वायर रूट मैंने टेक स्क्वायर रूट सिक्सटीन स्क्वायर रूट इज फोर स्क्र रूट सेवनटीन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फाइव तो ये रूट सेवनटीन मैंने फिगर आउट कर लिया क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं निकालेंगे रूट सेवनटीन हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना था रूट सेवनटीन किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है रूट सेवनटीन किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है ये फोर और फाइव के बीच में लाई कर रहा है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट सेवनटीन इज मेरा फोर आ गया ये जरूरी था इस क्वेश्चन में फोर देखना नहीं ये, अगर यही मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर रूट है एक और एक्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर रूट है ये देखना है तो आप ट्वेंटी uh, सेवन कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाइक कर रहा है थर्टी सिक्स से कम और आपका ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा है ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाइक कर रहा है आप स्क्वायर रूट ले लो तो रूट ट्वेंटी सेवन आपका सिक्स और फाइव के बीच में ये हम टेक्निक लगाई है हमने दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर ढूंढ के फिर स्क्वायर रूट ले लिया है तो ये फाइव और सिक्स के बीच में ये ग्रेटेस इंटेजर ऑफ़ रूट ट्वेंटी सेवन इज फाइव समझाने के लिए मैंने बताया तो ये मेरा यहाँ से फोर आ गया तो मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ वापस ये मेरा ग्रेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ़ एन स्क्वायर प्लस के इक्वल टू मेरा फोर आ गया तो उसके मतलब रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस के मेरा फाइव फोर और फाइव के बीच में इंक्लूडिंग फोर लेजन फाइव टिपिकल ग्रेटेस्ट इंटीजर की अप्रोच है अगर इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फोर बनती है तो ये जो एक्सप्रेशन है फोर और फाइव के बीच में होना चाहिए तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका फोर बना है फोर और फाइव के बीच में जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर बनता है तो ये फोर और फाइव के बीच में स्क्वायर कर दिया सिक्सटीन लेजन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस के ट्वेंटी फाइव है मैंने एन स्क्वायर सेपरेट कर दिया तीनों साइड पे यहाँ एन स्क्वायर सेपरेट हो गया तो के रह गया यहाँ एन स्क्वायर सेपरेट हुआ तो ट्वेंटी फाइव माइनस एन स्क्वायर आ गया अब यहाँ से मुझे के की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है वेयर स्मॉल एंड इज नेचुरल नंबर स्मॉल एंड कैन टेक नेचुरल नंबर तो ये फोर वही केसेज बनाने वाली अप्रोच है हमारी मैंने यहाँ पे एन की वैल्यूज़ अज्यूम करी हैं यहाँ पे के की रेंज आ रही है और यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के आ रहा है राइट right? इन जब मेरा वन होगा जीरो हो नहीं सकता नेचुरल नंबर है इनको वन लिया तो के लाइक कर रहा है मेरा फिफ्टीन और ट्वेंटी uh, फोर के बीच में इनको वन लिया तो फिफ्टी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंक्लूड नहीं करना कैसे भी आप निकालते हो वैसे आप समझा रहा हूँ कैसे निकालोगे कि मेरा फिफ्टी इंक्लूडिंग और ट्वेंटी थ्री थी ट्वेंटी फोर से कम है तो इन, न, क्या इंटीजर होगा नेचुरल नंबर क्या होगा कि भी नेचुरल नंबर है ट्वेंटी थ्री होगा तो फिफ्टीन से ट्वेंटी थ्री नेचुरल नंबर काउंट करने हैं ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे लिख के वो अच्छा आइडिया नहीं है फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ऐसे मत करो फाइनल माइनस इनिशियल। ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन प्लस वन जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस वन तो नंबर और टर्म्स आ जाती हैं इसमें हम फाइनल को भी इंक्लूड कर रहे हैं को भी इंक्लूड कर रहे हैं एंड को भी इंक्लूड तो कर रहे हैं तो डोंट जस्ट सेपरेट ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन आएगा ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस इनिशियल प्लस वन भी करना पड़ता है आपको तो ये नाइन आंसर आ गए ट्वेंटी फाइव माइनस एट ट्वेंटी थ्री माइनस फिफ्टीन एट प्लस वन नाइन तो नाइन सोल्यूशंस नाइन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के आ गई के को मैंने एन को टू लिया एन को टू लेंगे तो टू का स्क्वायर फोर ये ट्वेल्व हो गया और ये टू का स्क्वायर फोर ट्वेंटी वन हो गया तो ये भी आप सेम लॉज लेसन ट्वेंटी वन ये भी आप लिख लो के आपका इंक्लूडिंग ट्वेल्व देन इक्वल टू ट्वेंटी कर दिया ट्वेंटी वन को ट्वेंटी कर दिया क्योंकि सिर्फ इंटीजर है तो ट्वेंटी वन नहीं हो सकता तो ट्वेंटी इंटीजर होगा फिर मेरी नाइन वैल्यूज़ आ गई फाना माइनस इनिशियल प्लस वन राइट फिर मैंने थ्री लिया तो के मेरा यहाँ से थ्री लिया तो ये मेरा नाइन सेवन uh, से लेके ये थ्री का स्क्वायर सिक्सटीन तक आ रहा है ये भी आप चेक कर लो नाइन वैल्यूज़ आती हैं फिर मेरा एन को फोर लिया एन फोर लेंगे तो ये ज़ीरो बन गया के गन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन आपका आ, K को फोर लिया सिक्सटीन नाइन हो गया अब यहाँ पर आप ट्रैप में आ सकते थे फिर आप कहते हैं जीरो से एट नाइन वैल्यूज़ हैं लेकिन के ज़ीरो नहीं हो सकता के नेचुरल नंबर है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा के को वन से लेके लेस देन इक्वल टू एट करना है नाइन नहीं हो सकता उससे कम जीरो नहीं हो सकता बिकॉज नेचुरल नंबर है तो के हाँ सिर्फ एट वैल्यूज़ पॉजेस कर रहा है ये ट्रैप था इसके अंदर थर्टी फाइव आंसर है थर्टी सिक्स भी चॉइस में दिया हुआ था अगर आप जल्दी में करेंगे तो थर्टी सिक्स ले लेंगे तो हमने थर्टी फाइव आंसर था तो केसेस बना के हमने किया इन बना ली और केसेस बना लिए नॉ दिस इज़ अ फंक्शन वेर वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन रेंज निकालने का मतलब है हमें इसके राइट right? सारे लीनियर पॉलिनोम हैं सारी स्ट्रेट लाइंस बनेगा ग्राफ तो बेस्ट आइडिया इसमें क्विकली हम स्केच कर लेते हैं इसको तीनों स्ट्रेट लाइन को मुझे माइनस टू और जीरो के बीच में यह लाइन बनानी है कौन सी माइनस एक्स माइनस वन और स्ट्रेट लाइन बनती है दो पॉइंट लेके और दो पॉइंट कौन से लेने माइनस टू लिया मैंने तो ये वन हो गया माइनस टू पर रिप्लेस किया मैंने इसमें माइनस टू रिप्लेस किया तो ये वन आ गया फिर मैंने जीरो रिप्लेस किया है ये दो ये दो पॉइंट रिप्लेस करूंगा इजी रहेगा एक्स की वैल्यू माइनस टू एक्स की वैल्यू जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो रिप्लेस करी तो यहाँ माइनस वन आ गया एक्स uh, की वैल्यू जीरो रिप्लेस करी तो माइनस वन आ गया ये पॉइंट है यहाँ पर आ गया माइनस वन तो ये स्ट्रेट लाइन मेरी ऐसे जा रही है माइनस वन फिर मैंने जीरो और थ्री के बीच में ये स्ट्रेट लाइन बनाई है जीरो प्लग इन किया तो माइनस वन आ रहा है ये पॉइंट से शुरू होगा ग्राफ और मैंने अगर थ्री प्लग इन किया तो टू आ रहा है ये टू वैल्यू आ रही है भाई की राइट जब थ्री प्लग इन किया थ्री प्लग इन किया तो टू वैल्यू आ रही है यहाँ से टू वैल्यू ये पॉइंट से पास करेगा ग्राफ तो ये ऐसे कहीं जाएगा अगर यहाँ देखना है तो वन पे जीरो ऐसे जा रहा है ग्राफ ये टू वैल्यू है राइट फिर मैंने क्विकली इसका ग्राफ बना लिया थ्री प्लग इन किया तो टू से शुरू हो रहा है ग्राफ अगर मैं टू से शुरू फाइव प्लग इन करूंगा तो जीरो हो रहा है फाइव पे जीरो हो रहा है दो पॉइंट लिए हैं एक ये पॉइंट लिया है एक्स की एक 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 वैल्यू थ्री तो वाई टू आ रहा है एक्स की वैल्यू फाइव तो वाई जीरो आ रहा है क्योंकि एंड पॉइंट्स लेंगे तो हमें पता है ग्राफ ये आ रहा है तो पूरा जब ग्राफ बन गया अब रेंज देखनी है वाई की वैल्यूज़ देखनी है वाई की वाई माइनस वन से नीचे नहीं है माइनस वन या उसके ऊपर है और टू से ऊपर नहीं जा रहा है तो वाई लाई कर रहा है बिटवीन माइनस वन एंड टू रेंज यही होती है द पॉसिबल वैल्यूज़ वाई कैन टेक और ग्राफ बता रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वाई की वैल्यूज में वाई एक्सेस पे वाई माइनस वन से लेके ये सारी ग्राफ ये देखो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं उनके वाई कॉर्डिनेट्स हैं वो कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज पाइप प्रोजेस करेंगे सारे ऑर्डर पेयर्स हैं सबके वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू लेंगे तो उनका स्कोप क्या है वो टू से आगे नहीं जा रहे हैं और माइनस वन से नीचे नहीं जा रहे हैं तो रेंज आ गई वाई बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके टू तक राइट तो हमने स्ट्रेट लाइन में क्विकली ग्राफ बना लिया ग्राफ बनाने में कहाँ टाइम लगता है छः पॉइंट प्लग इन करके ज्वाइन किया ग्राफ बन गया सेफेस्ट मेथड है ये माइनस वन टू टू ना फॉर दिस क्वेश्चन हमारा पहले हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे उसको आगे भी याद करेंगे अगर आपने किया तो अच्छी बात है नहीं किया तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि मेरे अगर कोई यूनिवर्सल सेट है सपोज मैंने यू कह दिया उसमें दो मैंने सबसेट डिफाइन करे हैं ए और बी राइट सबसेट ए सबसेट बी तो मुझे ये जो पार्ट होता है आपको पता है कॉमन पार्ट ऑफ ए एन बी है उसे कहते हैं ए इंटरसेशन बी अब यहाँ पर हमारा एक हमें क्वेश्चन इस तरह का है ये वाला कि मुझे अब ये मेरे मुझे एन ए है मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं गिवन है ए के अंदर मैंने मैं ग्रीन से शेडिंग कर रहा है मुझे एन बी पता है कितने एलिमेंट्स इस सर्कल में हैं एन ए पता है एन बी पता है एन यू पता है यूनिवर्सल सेट में कितने हैं मुझे कितने एलिमेंट्स इस सेट में है हम निकाल नहीं सकते कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं और बी में जब तक कि सेट गिवन नहीं है तो हम कैसे कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्वेश्चन ये नहीं है फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हैज़ क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड द रेंज ऑफ कहाँ कहाँ से कहाँ हो सकता है रेंज ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी रेंज निकालनी है ये हमारी अप्रोच है क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है तो हम इसको ऐसे निकालते हैं कि मेरा जो एन ए इंटरसेक्शन बी है जो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हैं वो 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 एन ए से कम होंगे जितने एलिमेंट्स एम है उससे कम होंगे क्योंकि कॉमन है और बी के कॉमन है तो ए से ज्यादा तो हो नहीं सकते सेम वे वीकेंस से कॉमन एलिमेंट्स हैं और बी के तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी है उससे भी कम होंगे बराबर हो सकते हैं एन बी के लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते सो so, इससे भी कम होंगे कॉमन एलिमेंट्स इससे भी कम होंगे दोनों साइड से हाँ देख लो डायग्राम पे देख लो जो ग्रीन शेडिंग है ऊपर देखो ये ग्रीन शेड ये जो मैंने शेडिंग किया है ए इंटरसेक्शन भी कभी इस सर्कल से ज़्यादा हो सकता नहीं क्योंकि सर्कल के अंदर है सर्कल का पार्ट है वो उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है सेम वे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बी सर्कल से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि बी सर्कल का पार्ट है वो दोनों से कम होगा तो हम कहते हैं उसको एन ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों से कम होने का मतलब उनके मिनिमम से कम होगा एन एन ए कॉमा एन बी उनके मिनिमम से कम होगा अगर मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं एन ए मेरा फ़ाइव है और एन बी मेरा थ्री है तो मेरा इसको क्या बोलेंगे एन इंटरसेक्शन भी किससे कम होगा फाइव से भी कम होना चाहिए थ्री से भी कम होना चाहिए तो उसको कह दिया मैं लेस देन इक्वल टू थ्री है फाइव से कम है तो यू नो थ्री से कम फाइव से कम है तो और थ्री से भी कम है तो थ्री से कम लेंगे ना क्योंकि थ्री से कम है तो फाइव से तो कम है ही इसके मतलब लेकिन फोर नहीं हो सकता क्योंकि फोर फाइव से तो कम है लेकिन थ्री से कम नहीं है तो दोनों में से जो कम है उससे कम होना चाहिए दोनों के मिनिमम से कम होना चाहिए हमने अपर ये ये बना लिया ऐसे ही हमें लोअर कॉन्स्टेंट बनानी है इसकी जरूरत नहीं के लिखा था लोअर कॉन्स्टेंट हमें बनानी है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि यू... ए यूनियन बी राइट ए यूनियन बी ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड किया है हम कहते हैं ए और बी जो ए और ए और बी दोनों में से किसी में भी या तो ए के अंदर है या बी के अंदर दोनों को मिला दो तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एंड बी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेट सेट थ्योरी में ये फॉर्मूला है और साथ में हमें ये पता है कि जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हैं कभी भी यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट के तो सारे सबसेट है ए भी सबसेट यूनिवर्सल सेट का बी भी सबसेट यूनिवर्सल सेट का ए यूनियन बी भी उसका सबसेट है कि सब कुछ ही हमने यूनिवर्सल सेट में बनाया है अगर मैं ए यूनियन भी आपको शेड करके दिखाऊं तो ये ए यूनियन बी है तो ये तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा उसके बराबर होगा या उससे कम होगा उससे ज़्यादा कैसे जा सकता है सबसेट है सारे यूनिवर्सल सेट के तो ये है इसको मैंने यहाँ प्लग इन कर दिया तो मेरा आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो इसकी लोअर लिमिट आ गई इसको मैं इधर ले गया हूँ इसको इधर ले आया हूँ इसको इधर ले गया हूं राइट पे तो एन ए इंटरसेक्शन भी मेरा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल साइट तो ये मेरा लोअर बाउंड बन गया मिनिमम वैल्यू बन गई एन ए इंटरसेक्शन बी तो मैंने ये इस तरह से कराया आपको फॉर्मूला आप याद कर लो एन ए इंटरसेक्शन बी का लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जो भी दोनों में से कम है एन ए या एन बी उनके मिनिमम से कम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए मेरा एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल ये मेरा रिजल्ट है जो आप याद कर सकते हैं तो बार बार हर क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ेगा सीधा हम रिज़ल्ट अप्लाई कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हमारा है उसमें वन ट्वेंटी रेजिडेंट हैं एक स्मॉल टाउन में तो एन यू वन ट्वेंटी हो गया अमंग सेवेंटी फाइव यू बाईसाइकिल यूज़ करते हैं उसको हमने एन ए मान लिया सेवेंटी फ़ाइव हैं और एन बी जितने लोग बाइक यूज़ करते हैं वो सिक्सटी फाइव है हमें ऐसी इसकी रेंज निकालनी है ऐसे कितने लोग इसकी रेंज क्या है कि जो मोटर बाइक भी यूज़ करते हैं और बाइक भी यूज़ करते हैं दोनों के मीडियम से ट्रैवल करते हैं तो उसकी अपर लिमिट है इन दोनों के मिनिमम से कम होना चाहिए मिनिमम से कम सिक्सटी फाइव से कम होगा और जो लोअर लिमिट आएगी हमने अभी देखा है उसमें क्या फॉर्मला लगाना है हमने हमने फॉमूला लगाना है एन ए प्लस एन बी राइट फॉमुला मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं ये चीज़ चाहिए अब एन ए प्लस एन बी नीचे लिखा हुआ है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स सेट ये चाहिए एन ए सिक्सटी है एन बी है माइनस वन जो यूनिवर्सल सेट में है तो वन फोर्टी माइनस वन हो गया तो ये रेंज निकाल ली और इस रेंज से हम चॉइसेस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरी कि ये जो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग बाईसैकल एज वेल एज मोटर बाइक टू यू नो कम्यूट इससे ये रेंज आ रही है 20 से लेके सिक्सटी फाइव तक तो यहाँ पे नाइन तो नहीं हो सकता ट्वेंटी से ज़्यादा होना चाहिए फोर्टीन नहीं हो सकता ट्वेंटी से ज़्यादा होना चाहिए सॉरी ये चॉइस रिपीट हो गई इसमें तो ये आपका ट्वेंटी फ़ोर आएगा राइट ट्वेंटी फ़ोर आएगा इस केस में सोल्यूशन में भी कोई हुई नहीं है पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं हो सकता मैं करेक्शन करा दूँ ये वाला अगर ये टाइम से सो यू नो दिस इज आई वुड रेट दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट तो आपने वी uh, uh, के वर्कबुक का क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है सेम नहीं है सिमिलर है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझना ज़रूरी है इसको क्वेश्चन ये है कि मेरा सेट है इसकी है ये सेवन एलिमेंट्स हैं सेट ए जो सबसेट है इसका नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी या सबसेट ना भी हो मैं से है सबसेट में कोई लिखा भी नहीं है तो हम देख ही सकते हैं सबसेट है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी नंबर ऑफ ऑफ सबसेट बी एस इसके सबसेट निकालने हैं मुझे सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सीमेट्रिक बी सेट एमेट्रिक बी क्या होता है ए सीमेट्रिक बी होता है हमारा वो एलिमेंट्स या तो खाली ए में हो या बी में हो उनके कॉमन पार्ट में ना हो हमारा ये सीमेट्रिक में आता है हमारा हमारा सीमेट्रिक में ये पार्ट आता है जो खाली ए में है उनके इस पार्ट में नहीं है कॉमन नहीं है ए और बी के साथ कॉमन नहीं है या फिर बी में ए के साथ कॉमन नहीं है दिस इज़ यू नो दैट थ्योरी में पढ़ा हुआ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दो एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए दैट इज ए माइनस बी में ओनली इन ए राइट ए में से बी माइनस कर दिया और उसमें एड कर दिया जो बी में से ए को माइनस किया मैं थ्योरी नहीं पढ़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास बट दिस इज वॉट वी से इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ए का बी से डिफरेंस बी का ए से डिफरेंस उनको मर्ज कर दिया यूनियन कर दिया डिफरेंस तो तो में एक एलिमेंट होना चाहिए right? में कौन सा एलिमेंट फर्क नहीं पड़ता उन सिमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट होना चाहिए तो मेरा ए अब मैंने देखा और एक एलिमेंट्स हमें पता है के एलिमेंट्स पता है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ए के एलिमेंट्स मल्टीपल केसेस आएंगे बी नहीं पता बी बनाना है

एक मैंने केस दिखाया बी मेरा थ्री फोर फाइव है किस सिमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट है एक ही होना चाहिए वो मैंने टू मान लिया तो फिर ए सेट के थ्री फोर फाइव कहाँ जाएंगे वो इसमें नहीं आ सकते यहाँ जाएंगे फिर वो कॉमन में जाएंगे कॉमन में चले गए तो बी में आ गए तो बी मेरा सेट ये बन गया फिर यही पॉसिबिलिटी मेरी चार बन जाएंगी कि मेरा सिमेट यहाँ पर टू चला गया मैंने कहा यहाँ थ्री चला गया टू फोर फाइव यहाँ आ गया यहाँ कुछ नहीं है तो मेरा बी सेट क्या बना सिमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट है बी सेट क्या बना टू फोर फाइव सेम लॉजिक से आपके दो और केस आएंगे जब यहाँ पे थ्री चला गया यहाँ पे आपका फोर चला गया यहाँ पे एक ही एलिमेंट होना चाहिए फोर रख लिया मैंने तो टू थ्री फाइव यहाँ जाने चाहिए तो मेरा बी सेट बन गया मेरा और यहाँ कुछ नहीं आ सकता क्योंकि एक ही होना चाहिए सब डिफरेंस में तो बी मेरा हो गया टू थ्री फाइव फिर लास्ट केस बना मेरा लास्ट मतलब ये और भी बनेंगे केस ये केस बना मेरा यहाँ पे फाइव चला गया यहाँ टू थ्री फोर गया और मेरा यहाँ से यू नो आंसर मेरा बी सेट आ गया मेरा टू थ्री फाइव अभी मेरा आ गया टू थ्री फोर तो अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है अभी चार केस बने हैं एक बी हो सकता है बी ऐसा हो सकता है सबसेट बी ऐसा हो सकता है सबसेट बी ऐसा हो सकता है दैट सीमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट अभी और मैं दिखा रहा हूं तो यहाँ पे तो अगर चार किसी ने आंसर निकाला है चॉइस नहीं मैच कर रही तो लग जाना चाहिए था गड़बड़ है अब मैं कह रहा हूँ कि सीमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट तो अभी मैंने ए वाला लिया है अब ये वाला केस देखना अब डिफरेंस में क्योंकि सेट ए में मेरे सेवन एलिमेंट्स हैं हमारा ए तो फिक्स हो गया राइट तो मेरा वोला केस देखो आप सिमेट्रिक डिफरेंस में एलिमेंट आ रहे हैं बी से ए से नहीं आ रहे ए ए के सारे A में कोई एलिमेंट नहीं है मैंने टू थ्री फोर फाइव यहां रख लिया चारों एलिमेंट यहां रख लिए टू थ्री फोर फाइव जो ए सेट था टू थ्री फोर फाइव अब मैंने यहां पे वन भी हो सकता है मेरा देखो कंडीशन मैच कर रही है सिमेट्रिक डिफरेंस में एक एलिमेंट है वन राइट यहां से कोई एलिमेंट नहीं आया तो वन है तो ये मेरा आप मेरे देखो बी सेट ऐसे भी हो सकता है मेरा वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव फिर ऐसे ही केस बनेगा जब मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस में थ्री एलिमेंट वन आ गया टू थ्री फोर फाइव तो पहले ही आ चुके हैं सिक्स आ गए यहाँ से सिक्स है राइट सिक्स आया यहाँ सिक्स आया ये बी के एलिमेंट जो बी ए के एलिमेंट्स हैं टू थ्री फोर फाइव यहाँ आ गए तो ये मेरा सेट बी बन गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे दो केस और एक केस और आएगा यहाँ पे मेरा सेवन आ गया यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव है राइट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डिसमेटरी डिफरेंस में एक एलिमेंट है तो मेरा ये सेट बी बना टू थ्री फोर फाइव सेवन तो बी के साथ पॉसिबिलिटी बन रही है इसके अंदर आप देखो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती आप कहेंगे यहाँ पे आपने टू क्यों नहीं लिया यहाँ पे टू आ सकता है टू तो यहाँ पे लेंगे तो टू तो इसमें भी ए, ए, ए में भी होना चाहिए टू दो बार तो ना आ सकता है टू टू तो ए में भी है ए का पार्ट है टू टू तो यहाँ होना ही पड़ेगा ए में होना ही पड़ेगा तो दो बार टू कैसे आ गया तो टू नहीं आ सकता थ्री नहीं आ सकता फोर नहीं आ सकता फाइव नहीं आ सकता बी के अंदर वन और सिक्स और सेवन आ सकते हैं तीन केस लिए इस तरह से हमने किया तीन केस बाकी केस कैसे आए हैं मेरे बाकी तीन कैसे आएँ कि मेरा टू यहाँ चला गया यहाँ कुछ नहीं आया सोमीटर डिफरेंस में एक एलिमेंट हो गया तो बी मेरे थ्री फोर फाइव आ गए फिर बाकी केस कैसे आए यहाँ मेरा थ्री चला गया यहाँ पे टू फोर सिक्स आया फिर केस बन गया बी ये बन गया मेरा सेट फिर ऐसे यहाँ पे फोर चला गया और और फाइव चला गया फाइव था सॉरी सिक्स नहीं फाइव तो ऐसे हमने छः केस बना लिए चार पहले बने थे दो केस और बने सात केस हो गए तीन केस और बने सेवन केसेज हैं इसके अंदर राइट तो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये पेपर का आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग यही था जिसमें थोड़ा आइडिया लगाना था आपने क्वेश्चन नंबर एट है बहुत ही टिपिकल और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये इसमें पहले तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम थे, हमारी क्या कहती है पढ़ा भी होगा कॉन्सेप्ट में इफ इफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस से लीनियर पॉलिनोम से डिवाइड कर रहे हैं देन रिमाइंडर जो होता है वो होता है एफ ए ये मतलब है, ये रिमाइंडर थ्योरम है अगर एक पॉलिनोमल को एक लीनियर पॉलिनोमल एक्स मानस से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो एफ ए बचेगा सॉरी पी ए बचेगा पी ए तो यहाँ पे मतलब इसको एफ ले लेते हैं चलो अभी पी ये है तो यहाँ पे एफ ए बचेगा कि फंक्शन ए में ये रिप्लेस कर दो ये मतलब अगर मैं कह रहा हूँ मेरा क्यूबिक मेरा ये ये क्वाड्रेटिक पोलिन है थ्री एक्स माइनस वन ये मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस वन से तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा राइट right? मुझे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमिल को एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से रिमाइंडर जीरो क्या आएगा वो एफ़ वन है जो वन है ये प्लग इन कर दो यहाँ पे वो एफ वन तो टू इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस वन सो इट इज़ यू नो फोर आ गया ये रिमाइंडर फोर आ गया ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं पॉलिनोमल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई थ्री लीनियर पोलिनमिल्स एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री पी एक्स को मैंने एक्स से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर मेरा माइनस वन है मैंने एक्स माइनस वन से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर माइनस वन है एक्स माइनस थ्री से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर फाइव है तो मैंने यहाँ पे मैंने रिमाइंडर थीम यूज़ करी जब ये एक्स था तो मतलब पी जीरो आ गया एक्स माइनस एक्स माता एक्स माइनस जीरो है एक्स माइनस जीरो है तो पी जीरो मतलब माइनस वन की वन है पी वन मेरा माइनस वन की वन है और p मेरा थ्री जो है वो फाइव की बना है ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये कंडीशन निकाल ली है। अब अगला कॉन्सेप्ट टिपिकल क्वेश्चन है अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें रिमाइंडर क्या होगा निकालना क्या पहले वो देख लें रिमाइंडर क्या होगा जब पी एक्स को मैं इस क्यूबिक पॉलीनॉमल से डिवाइड कर रहा हूँ तो हम ऐसे लिखते हैं पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक पोलीनॉमल से मान लेते हैं क्वेश्चन क्यूब एक्स आएगा और जिस पॉलिनोमल से डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, हैं ये डिवाइजर है मेरा डिवाइजर है ये ये क्वेश्चन है ये तो नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने ये डिविडेंड है डिविडेंड अब जो रिमाइंडर है उसको मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट हमारी थ्योरम है या रिजल्ट है ये कि अगर मेरा डिवाइजर की डिग्री थ्री है डिवाइजर क्यूबिक है डिवाइजर की डिग्री थ्री है तो रिमाइंडर की डिग्री एक कम होनी चाहिए डिवाइजर से सो क्वाड्रेटिक ले लिया डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी वन लेस एन द डिग्री ऑफ डिवाइजर ये ये हमारा रूल है अगर ये क्यूबिक है डिवाइजर तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक लिया है निकालना भी रिमाइंडर है हमें रिमाइंडर ही निकालना है रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर की डिग्री क्वाड्रेटिक है पहले ही हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि डिवाइजर की डिग्री मेरी थ्री है क्यूबिक है तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक होगा तो इसको निकालने का यही मेथड है कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं सिर्फ इसी मेथड से बनते हैं आप ये आइडेंटिटी लिख लो आइडेंटिटी है पी एक्स को डिविडेंड को लिखने का तरीका है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अब यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे जो ऊपर थी मैंने एक् एक् एक्स इक्ल टू जीरो रिप्लेस कर दिया इस आइडेंटिटी में जब एक्स इक्वल टू जीरो रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये पी जीरो आ गया जो कि माइनस वन है ये जीरो रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये इस क्यूएस से फर्क नहीं पड़ता ये जीरो हो गया राइट ये जीरो हो गया आपका प्लस यहाँ पे जीरो रिप्लेस करा सी तो यहाँ से सी माइनस वन आ गया इस तरह से तीनों कोफिशिएंट आ जाएंगे फिर मैंने इसमें इस प्लगइन में एक्स इक्वल टू वन प्लग किया एक्स इक्वल टू वन प्लग इन किया तो पी वन बन जाएगा और पी वन भी माइनस वन है ये ज़ीरो बन जाएगा और ये बनेगा जब माइनस वन प्लग इन करेंगे इसमें तो सॉरी वन प्लग इन किया वन पे ए प्लस ई प्लस सी बन रहा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गई ए प्लस ब्लस सी इक्वल टू माइनस वन सी माइनस वन है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो अभी सॉल्व करेंगे इसको थर्ड इक्वेशन पहले बनाते हैं उसके लिए मैं एक्स को थ्री प्लग इन कर रहा हूँ ये कहाँ से पता चल रहा है कि मैं जीरो वन थ्री प्लग इन करूँ इस तरह से यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरह से प्लग इन करना है कि ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाए जब एक्स को जीरो रिप्लेस करेंगे तो ये जीरो बन रहा है एक्स को वन रिप्लेस करेंगे तो जीरो बन रहा है एस को थ्री रिप्लेस करेंगे तो जीरो बन, तो बन रहा है इसलिए इसलिए हमें ये रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि मैं क्यू एस नहीं पता क्यू एस की कॉन्ट्रीब्यूश नहीं आना चाहिए तो थ्री रिप्लेस करा तो ये पी थ्री बन गया राइट पी थ्री हमें फाइव की बन है ये जीरो बन गया और ये बन गया मैं थ्री रिप्लेस करूंगा तो नाइन ए थ्री प्लस थ्री बी प्लस सी क्वाडेटिक में जब मैं थ्री रिप्लेस करूंगा तो नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी बन गया ये मेरा यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया सी माइनस वन है तो ये हो गया सिक्स इक्वल टू नाइन ए प्लस थ्री बी थ्री से डिवाइड करा टू इक्वल टू थ्री ए प्लस बी इसको और इसको सॉल्व कर लिया सबट्रैक्ट कर दिया ऐसे तो आ गया टू इक्ल टू टू ए इक्वल टू वन ए वन है तो यहाँ प्लग इन करके बी माइनस वन आ गया आप कर लोगे तो सॉल्व ये कर लिया हमने देखो ऐसे तो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया रिप्लेस करके एम ए वन तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बी माइनस वन सी माइनस वन ये क्वाड्रेटिक राइट तो ये क्वेश्चन किए होंगे जो वी एम सी के उसमें हैं तो वक वक में दो क्वेश्चन हैं ऐसे तो राइट तो आपने सॉल्व किए होंगे बिल्कुल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया था कि टाइम लग सकता है सॉल्व करने में लेकिन उतना लगेगा नहीं क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा ग्रटरसेंटेजर अभी टिप्स पे नहीं आया हुआ इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है एक्सक्वेयर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है सच दैट एक्सक्र इक्वल टू थ्री टाइम्स गटरसेंटेजर एक्स राइट ये हमें करना है तो अब यहाँ पे अभी थोड़ा ये देख लीजिए ये तो पॉजिटिव एक्सक्वायर तो ये भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो नेगेटिव केसेस नहीं लेने तो मैं अभी इस तरह से केसेस बना के तो ऐसे करेंगे कि एक्स मेरा जीरो से वन है जो टेबल बनाया था पहले उस तरह से एक्स मेरा जीरो से वन है तो मेरा एक्स स्क्वायर एकवल टू तो थ्री टाइम्स ग्रेटर इंटीजर एक्स जीरो हो गया तो ये मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो जीरो आ गया तो एक्स इक्वल टू जीरो आंसर आ गया और यहाँ सेटिसफाई लाई भी कर रहा है सेटिसफाई कर गया फिर मैंने कहा कि ये मेरा मेरा एक्स स्क्र इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर इंटीजर एक्स वन बन जाए तो मतलब एक्स मेरा वन से टू में होना चाहिए ग्रेटर इंटीजर एक्स मेरा वन बन गया जो एक्स बिटवीन वन एंड टू है ग्रेटर सेंटीजर एक्स मेरा वन हो गया वन लिख वन लिख लिया आंसर आ रहा है नेगेटिव नहीं लिया हमने आ, क्योंकि इंटरवल मेरा वन टू टू है प्लस माइनस रूट थ्री आएगा माइनस की बात ही नहीं करते क्योंकि ये इंटरवल वन टू टू है एक्स इक्वल एक टू तो रूट थ्री लिया और रूट थ्री इस इंटरवल में लाइक कर रहा है रूट थ्री इज वन पॉइंट सेवन थ्री टू विच इज़ बिटवीन वन एंड टू राइट ये वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए हमारा इसी इंटरवल में ही सॉल्व कर रहे हैं तभी तो हमने इसको वन लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सेकंड आंसर आ गया नंबरिंग कर दूँ फर्स्ट आंसर आ गया सेकंड आंसर आ गया फिर मैंने ऐसे आगे बढ़ा मैंने एक्स को बिटवीन टू एंड थ्री लिया तो मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू टू हो गया सिक्स हो गया को एक्स मेरा प्लस माइनस रूट सिक्स आ रहा है तो इनसे इंटरवल में अब ये देखना है रूट सिक्स आ रहा है तो मैंने कैसे बताया था कि रूट सिक्स आ रहा है तो इसका स्क्वायर सिक्स बन रहा है इस इंटरवल का भी स्क्वायर कर लो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ मतलब टू और थ्री का टू और थ्री के बीच में लाई कर रहा है तो टू इनका स्क्वायर है फोर और नाइन तो सिक्स फोर और नाइन के बीच में लाई कर रहा है यह चेक करने के बजाय रूट सिक्स बिटवीन टू एंड थ्री लाइ कर रहा है यह चेक कर लो उनके स्क्वास उनके बीच में लाई कर रहे हैं इसका स्क्वायर सिक्स है और इसका स्क्वायर फोर है इसका स्क्र नाइन है तो सिक्स फोर और नाइन के बीच में लाई कर रहा है तो रूट सिक्स भी टू और थ्री के बीच में लाई करेगा राइट जैसे पहले बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में यही है तो ये ये अगर हमें देखना है ट्रू है क्या ये ट्रू है रूट सिक्स बिटवीन टू एंड थ्री है रूट सिक्स बिटवीन तो स्क्वायर चेक कर लिया अगर स्क्वायर है स्क्वेयर है ये फोर आ रहा है नाइन आ रहा है तो ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा ये ट्रू है तो ये भी ट्रू उल्टा करके कर लो सिक्स लाइक like कर रहा है फोर और सिक्स में जैसे पहले किया था स्क्वेयर रूट ले लिया मेरा तो ये रूट सिक्स मेरा टू और थ्री के बीच में लाइक like करेगा तो सर राइट right, तो एक कर गया ये ये पहले भी समझाया था वही चीज़ है सेटिसफाई कर गया तो यहाँ से रूट सिक्स आंसर आ गया नेगेटिव नहीं आया रूट सिक्स आ गया थर्ड आंसर अब मैं फिर आगे बढ़ा एक्स मेरा फोर ऑफ थ्री और फोर के बीच में है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री इन थ्री आ गया एक्सक्वायर इक्ल टू नाइन आ गया एक्स इक्ल टू प्लस माइनस थ्री है नेगेटिव आएगा नहीं थ्री आंसर आ गया और थ्री सेट इंटरवल में लाई भी कर रहा है तो फोर्थ आंसर आ गया मेरा अब आगे आंसर खत्म हो जाएंगे ऐसे नहीं करते ही रहेंगे हम अब मैं फोर टू फाइव ले रहा हूँ मेरा एक्सक्वायर इक्वल टू ट्वेल्व हो गया राइट right? मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को फोर लिया तो फोर इंटू ट्वेल्व हो गया एक्स मेरा प्लस माइनस रूट टू है रूट uh, ट्वेल्व है अब रूट ट्वेल्व चेक करना है रूट ट्वेल्व इस इंटरवल में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है राइट right? तो मैंने अभी रूट अब, अब यहाँ पे अब मैंने ट्वेल्व मैंने यहाँ से सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव लिया मेरा ट्वेल्व सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव के बीच में इसका स्क्वायर देख लिया मैंने देखो ट्वेल्व है तो सिक्सटीन है उसका स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व किसके बीच में होगा फोर और फाइव के बीच में होगा सॉरी गलत सॉरी ये ये ट्वेल्व तो मेरा ट्वेल्व किसके बीच में दो परफेक्ट स्क्वायर के ट्वेल्व मेरा नाइन और सिक्सटीन के बीच में है तो रूट ऑफ ट्वेल्व की जो रेंज आ रही है वो थ्री और फोर के बीच में आ रही है तो वो फोर और फाइव के बीच में नहीं है थ्री और फोर के बीच में है तो नो no सोल्यूशन ये सोल्यूशन नहीं है रूट ट्वेल्व सोल्यूशन नहीं है तो आगे भी सोल्यूशन नहीं आएंगे एक बार सोल्यूशन निकल के तो आगे भी नहीं आएंगे चेक करने को कर सकते हो तो एक मेथड था इसका चार सोल्यूशन आ गए हमारे दूसरा आप ये थोड़ा ग्राफ से भी देख सकते थे इसका अगर ग्राफ अगर ढंग से नहीं पड़ा है तो कोई बड़ी बात है नहीं फिर आप छोड़ सकते हो मेरा एक्सक्वेर का ग्राफ थोड़ा ऐसे आता है वन पे वन पास करेगा और मेरा जब टू होगा तो वो फोर होगा राइट right? थ्री पे तो वो नाइन बहुत ही ऊपर निकल जाएगा नाइन कहीं यहाँ लेते हैं फोर नाइन कहीं यहाँ निकल रहा है तो तो ये मेरा ये एक्सक्वेर का ग्राफ है अब मैंने दूसरा फंक्शन है ग्राफ देखा मेरा क्या है दूसरा फंक्शन है मेरा थ्री टाइम्स केटर सेंटेजर एक्स राइट थ्री टाइम्स ग्रेटर सेंटेजर एक्स मतलब जो एक्स मेरा जीरो और वन के बीच में है तो वो राइट right, थ्री है वो थ्री स्टेप आएगा जीरो oh, है सॉरी एक्स थ्री टाइम्स ग्रेटर सेंटेजर एक्स मेरा जीरो से वन के बीच में है तो ग्रेटर सेंटेजर एक्स जीरो हो गया तो जीरो स्टेप है राइट right? जीरो से वन में जीरो स्टेप है तो यहां से आंसर ये आ गया देखो आप यहाँ पे दोनों कर मीट कर रहे हैं लेफ्ट ग्राफ और राइट right ग्राफ मीट कर रहा है वो सोल्यूशन है क्योंकि एक्स को सेंटेजर एक्स फिर एक्स मेरा टू और थ्री के बीच में है राइट right? मतलब ग्राफ बना रहा हूँ मैं थ्री टाइम्स ग्रेटर एक्स का ग्राफ सीधा याद है सीधा भी कर सकते हो आप राइट इसको स्केल करना पड़ता है ग्रेटर इंटीजर एक्स का याद किया है तो स्टेप को हम थोड़ा सा स्केल करेंगे सॉरी वन टू टू लेते हैं वन टू टू के अंदर ग्रेटर इंटीजर एक्स वन है तो ये थ्री हो गया तो अगला स्टेप मेरा थ्री पे जाएगा राइट थ्री पे जा रहा है स्टेप ये वाला स्टेप यहाँ से आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जब वह अगला स्टेप सिक्स पे आएगा टू और थ्री के बीच में सिक्स होगा जो भी स्टेप आता है उसको हमें स्केल करना है थ्री टाइम्स करना है फाइव फोर uh, आ गया फाइव सिक्स ये सिक्स कहीं यहाँ पे आएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये स्टेप है मेरा थर्ड स्टेप ये बना है देखो ये आ गया तो तीन सोल्यूशन आ गए देखो यहाँ से ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये तीन सोल्यूशन आ चुके हैं और फोर्थ सोल्यूशन जब मैं आगे जा रहा हूँ जब थ्री वैल्यू है तो अगला स्टेप फिर वो नाइन पे आ रहा है ये स्टेप ऐसे जा रहा है ये मेरा फोर्थ सोल्यूशन आ गया वही चार सोल्यूशन जो मैंने आपको मैथमेटिकली दिखाया ग्राफ पे ऐसे दिख गए ऊपर जगह खत्म हो गई अगर ऊपर जाएंगे तो इस तरह से ये ग्राफ तो पैराबोला ऐसे निकल जाएगा मैं यहाँ नीचे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये मेरा पैराबोला तो ऐसे चला गया यहाँ से वन टू थ्री थ्री पे नाइन थोड़ा छोटे स्टेप ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वन टू थ्री तो वन पे वन है टू पे फोर है वन टू थ्री फोर थ्री पे नाइन है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया तो अच्छा रहता है ये वाला ये ग्राफ ऐसे पैराबोल ऐसे निकल गया और जो मेरा गिटेस इंटीजर एक्स आ रहा है वो स्टेप ऐसे आ रहे हैं ये स्टेप है फिर थ्री पे अगला स्टेप है फिर सिक्स पे अगला स्टेप है राइट ये वन टू थ्री थ्री से फोर में अगला स्टेप मेरा नाइन से ऐसे स्टेप जा रहा है फिर मैं आगे जाऊँगा फिर थ्री पे ट्वेल्थ पे स्टेप आएगा तो ये स्टेप ऐसे जा रहे हैं लेकिन 12 पे तो पैराबोला ऊपर निकल गया पैराबोला तो कहाँ भाग गया थी मैं देखो आप ऊपर निकल गया तो स्टेप अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टेप ऐसे जाते जा रहे हैं मेरे और पैराबोला ऊपर ऐसे निकल गया तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट अगेन दे आर मीटिंग एट फोर पॉइंट ग्राफ से हमने ये देख लिया राइट चार पॉइंट पे मिल रहा है एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है बीच में एक पॉइंट ये है जो हमने निकाला भी था मैथमेटिकली भी निकाला था UK. रूट थ्री आया था मैथमेटिकली निकाला था हमने रूट सिक्स आया था मैथमेटिकली निकाला था रूट नाइन थ्री आया ये वाला यहाँ अगर मैथमेटिकली मतलब ऐसे भी कर सकते हो निकालने में निकाल भी सकते हो ये स्टेप रूट कैसे आया था राइट ये स्टेप हमारा थ्री है और पैरा एक्सक्र इक्वल टू थ्री यहाँ से भी निकाल सकते हो ऐसे रूट थ्री आ गया ये स्टेप हमारा थ्री है हॉरिजॉन्टल स्टेप थ्री है और ये एक्सक्वा ग्राफ है तो मीट कहाँ करें थ्री पे करेंगे तो अगर ग्राफ पॉइंट्स ही चेक करने हैं तो ग्राफ बेटर है अगर आपको निकालना है कि एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो वो मैथड ठीक है ग्राफ की ज़रूरत क्या फिर अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन तो वो मैथड बेटर था थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए तो इसलिए मुश्किल मुश्किल लगा वो क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा काम ज़्यादा था मुश्किल नहीं है फंडामेंटल क्वेश्चन है करा भी होगा आपने वी में तो मॉड्यूल में सिमिलर क्वेश्चन है सेम नहीं है सिमिलर है कि हमें इनकरेक्ट चॉइस ये गलती हो जाती है इनकरेक्ट है कॉमन मिस्टेक है कि आपने अच्छा चॉइस देखा पहली चॉइस करेक्ट है गया। पूछा, करेक्ट नहीं। तो, बी तो पहली चॉइस में अगर ए सबसेट बी है। तो ऐसे पढ़ के नहीं होगा, पे करके होगा। ए सबसेट बी है, बी है मेरा। ए उसके सबसेट है अंदर है उसके तो मुझे आपको बताना है कि जो ए यूनियन बी है ए और बी को मिला दो ए यूनियन बी ये ए यूनियन बी सेट वही तो है जो बी सेट है ए यूनियन बी ए सबसेट ऑफ बी है यूनियन बी इज बी करेक्ट है मैंने नीचे ये करेक्ट है, है देखो ए यूनियन बी बी के इक्वल है दोनों को मिलाएंगे तो बी सेट बन गया यूनियन लेके सेम वे बी चॉइस में ए सबसेट ऑफ बी सेम ये बी ए उनका इंटरसेक्शन लिया है इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लिया वो ए आ गया बी और ए का कॉमन पार्ट क्या जो ए है नहीं तो ए सबसे सॉरी बी सबसेट ऑफ सी बी ए तीन सेट हैं ये सबसे बाहर सी है फिर बी है मेरा और फिर ए है ए नीचे है अब तीनों, था। तीनों, को है और तीनों का कॉमन में जो ए है ऐसे यहां इन दोनों का यूनियन करा तो वो बड़ा वाला सेट बन गया बी बन गया अब जो थर्ड है हमें चॉइस चेक करनी है ए माइनस बी माइनस सी चेक करना है और कंपेयर करना है ए माइनस बी पहले ले लिया और सी बाद में लिया एसोसिएशन प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है एसोसिएशन चेंज कर रही है पहले बी माइनस सी लेके ए में में से माइनस किया और यहाँ पे ए माइनस भी लेके उसमें से सी माइनस किया बिल्कुल अब ये देखना सेम बात बनेगी या डिफरेंट बात बनेगी चेक करना है कुछ लोगों को पहले से याद भी होगा करा होगा उन्होंने तो फिर उनके लिए जल्दी टाइम बच गया उनके लिए लेकिन ऐसे याद नहीं रहता कई बार और याद नहीं है तो हम कर लेंगे क्विकली मुझे क्या करना है हमें क्या करना है यहाँ पर बी माइनस सी देखना है बी में से बी माइनस सी क्या होता है बी में से सी को माइनस कर दो मैं उसको मार्क कर रहा हूँ बी में से सी को माइनस कर दो तो ये रह गया ओनली बी रह गया मैंने मार्क कर दिया शेडिंग अब इसको ए में से माइनस करना है राइट right? ए मेरा ये है राइट right? ए मेरा ये है जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं उसमें से बी माइनस सी का जो पार्ट आ रहा है वो माइनस कर दो तो माइनस करके मेरा क्या बच गया ये वाला पार्ट हट गया ये पार्ट बच गया मैं इसको नंबर करूँ अगर मैं राइट right? मेरा ये ये पार्ट बच रहा है यहाँ पर यह वन बचा और टू बचा ये दो बचा ये कैंसिल हो गया वन प्लस टू यहां लिख लेते हैं अभी कंपेयर करेंगे वन प्लस टू बचा ए में से माइनस कर दिया जो बी माइनस सी का पार्ट था तो ये बचा वन प्लस टू ये वन रीजन ये टू रीजन ये बचा ऐसे ही मैंने अब राइट साइड देखी यहाँ पे पहले ए माइनस बी लिया ए माइनस बी मतलब मुझे वो पार्ट जो ए में है बी में नहीं है ए में से बी को माइनस कर दिया ये पार्ट आ रहा है राइट right? ये पार्ट आ रहा है इसको ऐसे. ये पार्ट मेरा है से कोई मतलब नहीं है वो पार्ट जो ए में है बी में नहीं है वो ए माइनस भी है ये, ये येलो येलो शेडिंग जो है अब इसमें से सी को माइनस करना है सी का जो पार्ट आ रहा है इसमें से माइनस करना है क्या माइनस करना है इसमें सी का ये पार्ट आ रहा है ये वाला पार्ट ये माइनस कर दिया जब मैं ग्रीन शेडिंग कर रहा हूँ ये माइनस कर दिया तो मैं क्या बचा खाली वन बचा और यहाँ पे वन प्लस टू था यहाँ खाली वन बचा राइट ये वन और टू खाली इसमें वन ही आया वन प्लस टू आया तो नॉट इक्वल टू ये तो राइट मेरे यहाँ पे यही शेडिंग आई है अगर मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो जरूरत नहीं है अलग से अगर देखना है तो यहाँ पे खाली यही शेडिंग आई है यहाँ पे मेरी अलग से ड्रॉ करके आपने कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे ये शेडिंग आई है ये तो आई है वन तो आई है इसको मैंने वन मार्क किया था साथ में ये पार्ट भी आ गया तो दोनों इक्वल नहीं है सो चॉइस रॉन्ग हो गई डी चॉइस चेक करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम देख सकते हैं अभी ये सॉरी ये गलत हो गई तो ये आंसर है गलत वाला आंसर है ये आंसर है फॉर ऑल सेट्स ए ए बी बी सी सबसेट ऑफ देन ये देखना है दोनों सेम होंगे ए सबसेट ऑफ बी है यहाँ ये देख लेते हैं ए सबसेट ऑफ बी सी का कुछ नहीं पता सी को मैंने ऐसे ले लिया ये सी ले लिया तो हम कह रहे हैं कि ए यूनियन सी मैं शेड कर लेता हूँ ए यूनियन सी ए और सी का यूनियन जो ए में है और सी में है ए यूनियन सी मैंने रेड शेडिंग से दिखाया है और फिर मैं देख रहा हूँ बी यूनियन सी बी यूनियन सी को मैं ब्लू शेडिंग से दिखा देता हूँ बी यूनियन सी में ज़्यादा पार्ट है ये सारा बी यूनियन सी में आया बी भी आएगा सी भी आएगा तो साफ दिख रहा है जो ब्लू शेडिंग है वो जो ए यूनियन सी है वो उसका सबसेट है यस ए यूनियन सी सबसेट ऑफ बी यूनियन सी बिकॉज ए यूनियन सी रेड शेडिंग है और बी यूनियन सी ब्लू शेडिंग है तो रेड शेडिंग तो ब्लू शेडिंग के अंदर है जो रेड शेडिंग वाला पार्ट है ए यूनियन सी वो बी यूनियन सी के अंदर चला गया बी यूनियन सी के अंदर है तो ए यूनियन सी सबसेट है बी यूनियन सी शेडिंग सबसेट आ रही है तो ये चॉइस करेक्ट है और हमारा तो C आंसर हो गया राइट right? तो ये हमारा सॉल्यूशंस थे समझाने की कोशिश कर रही है टॉपिक मैंने पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि पूरा टॉपिक है पूरा सेट रिलेशन एंड फंक्शंस अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको कॉन्सेप्ट्स सोल्यूशनस है राइट right? तो हमारा वीकली कोर्स है उसके मैंने सोल्यूशन रिकॉर्ड किए हैं सेकेंड वीक के कोज थी है थर्ड वीक फिर नेक्स्ट वीक फिर कोईज होगी एवरी वीक वी हैव अ कोर्स सो अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है इससे तो आई वुड यू नो रिकमेंड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक like भी करें और कोई कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सो so हमारा पर्सनल एजेंडा है पर्सनल गोल है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो जो टॉपिक सीखते हो उन पर ही आपको थोड़ी और प्रैक्टिस कराई जाए थैंक यू सो मच